नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान मुद्दा छेड़कर भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। आज हम वेब वार्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस पूरे मामले का वैश्विक परिदृश्य में अगर देखें तो क्या असर हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर भारत ने जो कदम उठाया है, न केवल बलूचिस्तान की बात उठाई है बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसकी भी बात उठाई है, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और हम और बहुत सारे दूसरे विशेषज्ञ लगातार ये बात करते भी रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की शैली में जवाब दिए बगैर इस मुद्दे में आगे कोई हल निकालना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बात से पलटता है, पाकिस्तान उसी तरह की हरकतें करता है जिसके लिए वो जाना जाता रहा है। पिछले 69 सालों में पाकिस्तान में किसी भी तरीके से कोई हालात बदले नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों का जवाब उसी की शैली में दिया जाए। ये वैश्विक परिदृश्य पर असर ये डालेगा कि पाकिस्तान को उन मामलों में बेनकाब करने की और बेहतर तरीके से कोशिश करेगा जो कि पाकिस्तान की दुखती रग है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की दुखती रग है और लंबे समय से है। जब 1947 में बंटवारा हुआ था तब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बन गया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी, और उस तरह उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान संघ का शासन होगा, विदेश के मामले जो होंगे, सेना के मामले होंगे, वो रहेंगे, लेकिन उसके अलावा उसको स्वतंत्र अधिकार दिए जाए। वो स्वतंत्र अधिकार कभी दिए नहीं गए। उसमें बाद में नए नए कानून जोड़कर 1952 में एक नए तरीके से उसको अलग प्रांत बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा बलूचिस्तान के दूसरे भी स्थानीय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वहां की आवाजों को, वहां की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी को लगातार दबाया जाता रहा, उसका दमन किया जाता रहा है। तो भारत ने एक तरीके से बेहतर कूटनीतिक चाल चली है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व यह है कि चीन के घेराव में इससे मदद मिलेगी। दरअसल यहां पर निशाना पाकिस्तान को सामने रखकर लगाया गया है, लेकिन असल निशाना चीन है। चीन ने जिस तरीके से सामरिक दृष्टि से भारत को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उस आधार पर हम देखें तो यह मुद्दा चीन को ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। ऐसा नहीं लगता कि भारत को यह रुख बहुत पहले अपने लेना चाहिए था? यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, कश्मीर की आजादी की बात करता है, तो किस हैसियत से करता है? देखा जाए तो न कानूनी तौर पर न ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान के पास कोई अधिकार है कश्मीर के बारे में बात करने का। पाकिस्तान कश्मीर पर हक किस तरीके से जता रहा है समझ पाना मुश्किल है। ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्य बिल्कुल साफ हैं कि जो राजा हरि सिंह थे उनकी पहली इच्छा ये थी कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में बने रहे, और वो पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ही नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी खुद एक चिट्ठी में लिखा है। फिर जब उन्होंने देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको खतरा है, उनके पास अपनी सेना, अपनी ताकत, अपने अधिकार नहीं है, और पाकिस्तान उनको एक तरीके से धमकाने और डराने की कोशिश शुरू कर चुका था, तो उनको यह समझ में आया कि पाकिस्तान के साथ जाने में ज्यादा बड़ा खतरा है, और इसीलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। जब ये दस्तखत हो गए तो जिस तरह अन्य राज्यों ने भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस तरह कश्मीर ने भी किए। बाद में जो ऐतिहासिक तथ्यों में गड़बड़ हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है पाकिस्तान के लोगों ने, सैनिकों ने कबाइलियों के रूप में हमला किया और जम्मू कश्मीर में जाकर कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। तो जिसको आप हथियाने की कोशिश कर रहे हो, जबरन घुसपैठ कर रहे हो, उसको अपना आप कैसे मान सकते हो, जबकि उस राज्य का जो प्रमुख है उसने कानूनी तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर भारत के साथ विलय को स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने बल्कि कब्जा करके रखा है उस पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर के ऊपर जो भारत का हिस्सा होना चाहिए था। ये तो हमारे दुर्भाग्य है कि संधियों की टेबलों पर भारत लगातार हारता रहा है, नहीं तो वो बात लगातार ये होनी चाहिए कि पहले आपने जो कब्जे में कर रखा है कश्मीर उसको वापस दीजिए, हम वहां की 24 विधानसभा सीटों को खाली छोड़ते हैं। अब एक नई बात भी उठी है कि जो संसद में राज्यसभा के सदस्य जाते हैं उसमें भी प्रतिनिधित्व वहां के पाक अधिकृत कश्मीर, ये सब बातें मुझे लगता है बहुत सालों पहले शुरू होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को बेनकाब करने की जो कोशिशें अब हो रही हैं, जिसमें हम पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लगातार दमन चक्र चला रखा है पाकिस्तान ने उसकी बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की स्वतंत्रता की आवाज और संघर्ष की आवाज को जो दबाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत पहले से इसी तरीके से इस मुखरता के साथ उठाई जा सकती थी। यदि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, इसमें भारत के फायदे से ज्यादा सामरिक दृष्टि से जो घेराव होगा पाकिस्तान का वो है, भारत के लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो ग्वादर बंदरगाह है जिसको चीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, वो बलूचिस्तान अगर अलग राष्ट्र बन जाता है और चीन की इस तरह की हरकतों को रोक देता है तो वो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। चीन के ग्वादर बंदरगाह के जरिए अपने सिल्क रूट को फिर से स्थापित करने की जो कोशिशें हैं वो दरअसल केवल भारत के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और दूसरे देशों के लिए भी नुकसानदेह है। अरब सागर पर चीन की निगाह लगातार इसलिए भी बनी हुई है कि दूसरी तरफ जो उसकी समुद्री सीमाएं हैं उस पर चीन लगातार घेरे में आ चुका है, और उसने जिस तरीके
से समुद्री क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश की है, उसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने उसको लगातार पीछे धकेला है, और चीन की वहां पर एक नहीं चल पा रही, वो बरसों से कोशिश कर रहा है कि उसको ये पता है कि अगर कभी बड़ा युद्ध होता है तो हिंद महासागर और बाकी अन्य तमाम जगहों से उसकी सप्लाई बंद हो सकती है, तो इसलिए ग्वादर बंदरगाह पर उसकी लगातार निगाह बनी हुई है। अगर ये ग्वादर बंदरगाह जो जगह दरअसल वो ओमान के अंदर पहले आता था और ओमान से पाकिस्तान ने इसको बाद में अपने साथ मिला लिया था, उसको एक तरह से खरीदा गया था ग्वादर, लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है और अरब सागर का रास्ता जो है वो चीन के लिए खोलता है, क्योंकि चीन के पास एक अन्य विकल्प उपलब्ध हो जाएगा युद्ध की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी। तो अगर बलूचिस्तान की आजादी होती तो वहां के लोगों की इच्छाएं और कामनाएं तो पूरी होगी, सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान को घेरने में भी और चीन को अकेला करने में भी ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। क्या ऐसा लगता है कि मोदी और उनकी टीम को राजनीतिक रूप से भी इसका फायदा मिलेगा? राजनीतिक रूप से फायदा मिल सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, अगले 2-3 सालों में ऐसा कुछ हो जाए ये संभव नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई की मांग करता है। और जो 1971 में हो गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत साहसिक कदम था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया। आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा कदम, उस वक्त सोवियत रूस हमारे साथ था, उस वक्त अमेरिका मदद करने ही वाला था कि ऐन समय पर ये अलग से बांग्लादेश का निर्माण हो गया, ये सारी ऐतिहासिक तथ्य है। और उस वक्त जिस इच्छा शक्ति का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया गया था, वो इस वक्त दे पाना संभव होगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसा हो पाता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ तो मोदी को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत के लिए, क्योंकि आप एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, पहले तो यह माना जाता रहा कि बलूचिस्तान को लेकर इस तरीके से बात करना ही गलत है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार आरोप लगा रहा है कि भारत का हाथ है और भारत के ऊपर आरोप लगाकर वो लगातार बलूचिस्तान के मुद्दे को दबाने की और अंतरराष्ट्रीय रूप पर एक अलग रंग देने की कोशिश करता रहा है। भारत के बहुत सारे डिप्लोमेट्स ये मानते रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक रणनीतिकार ये मानते रहे हैं कि भारत को इस मुद्दे को इस तरीके से नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब ये मुद्दा उठा दिया गया मुखरता से, और खासतौर पर जब 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र कर दिया है, उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया मुखरता से, उन्होंने ये जरूर कहा कि सावधानी बरती जानी चाहिए, इस तरह की बातें कही है, लेकिन भारत के किसी भी राजनीतिक दल ने, नेता ने, राजदूत ने, राजनयिक ने ये नहीं कहा है कि ये गलत कदम है या इस बात को नहीं उठाना चाहिए। इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि बलूचिस्तान का मुद्दा, जहां पर ऐसे बहुत कम मुद्दे आज के विमर्श में रह गए हैं जहां पर आपको तभी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल जाए, कश्मीर में जो हालात है उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पर आक्रमण हो रहे हैं, विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है घेराव करने में सरकार की, लेकिन बलूचिस्तान के मुद्दे पर इस तरह का विरोध सरकार का नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है। इसी से यह साबित होता है कि इस मामले में पूरा देश एक है, रणनीतिक सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बलूचिस्तान का जो इलाका है उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण इलाका है जहां पर खेती किसानी होती थी, वो पश्चिमी कोना था मोहनजोदड़ो की संस्कृति का जहां पर लोग निवास करते थे, वहां पर प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार है, पाकिस्तान की जो प्राकृतिक गैस का सप्लाई उसका बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के हिस्से से आता है, वहां पर तांबे की बहुत महत्वपूर्ण खदानें पाई गई हैं बलूचिस्तान में और उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि हुई है, और हमारे ध्यान ग्वादर बंदरगाह पर जरूर है, लेकिन ये तांबे की खदानों में भी दखल देकर अपना हिस्सा पाने की और उसमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश चीन द्वारा की गई है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं और कुछ समझौते भी इस बात की ओर। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान भारत के लिए नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामरिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और बलूचिस्तान के लोग अगर आजादी चाहते हैं, बलूचिस्तान में अगर स्वतंत्रता की आवाजों को पाकिस्तान द्वारा दबाया जा रहा है, तो हमें निश्चित तौर पर उसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। जिस हक से, जिस तरीके से, अधिकार से पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, वो जो उसको अधिकार नहीं है, पर जिस मुखरता से वो कश्मीर के मुद्दे को उठाता है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा अधिकार भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने का है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो दमन का चक्र पाकिस्तान ने चलाया है उसको एक्सपोज किया जाना जरूरी है, उसको दुनिया के सामने लाया जाना जरूरी है, और इसकी वजह से एक बात और होगी कि पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना शायद बंद कर दे, या पाकिस्तान को यह समझ में आ जाए कि अगर वो हम पर एक पत्थर फेंकेंगे तो दो पत्थर उनकी तरफ भी उछल कर आ सकते हैं, वो अगर कांच के घर में रह रहे हैं तो उन्हें पत्थर फेंकने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए और हमारे मुद्दों में दखल देना बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख में आए बदलाव की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।